वापस वहीं आ जाता है। हाँ रोक ही रही है, देख तेरे लिए एक और रिंग लाया हम, देख मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे माफ कर दो यार। हाँ तो कोई कोई नहीं, बोलता ना कि भगवान भी बोलता है अगर कोई माफ़ कर देता ना तो माफ़ करने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है। तो मुझे पता है मैंने जो गलती करी वो तुम्हें बहुत हर्ट करी, लेकिन हर्ट करेगी और करती रहेगी जिंदगी भर, बट क्या करें, क्या जो भी चीज़ें हैं। हे वो सब गाइस, कैसे हो आप लोग, और आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को बताइए यार कि अभी सोनिया, अभी 3-4 दिन पहले स्टोरी लगाई थी सोनिया ने कि हमारा ब्रेकअप हो गया, तो सच में गाइस जना लड़ाई हो गई थी बहुत भयंकर वाली, और मतलब है ना दोनों अलग भी हो गए, मतलब इतने भयंकर लड़ाई हुई कोई बात को लेके, मतलब कोई पुरानी बात आ गई उसको लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी हमारे बीच में, सच में अलग हो गए थे। और सोनिया ने मेरे भैया को भी फ़ोन लगाया था, मतलब वीर लड़ रहा है, क्योंकि मैं मेरा दिमाग सटक गया तो मैं उसको छोड़ दिया बिल्कुल। क्या कर रहे हो तुम, हैं क्यों लाया मुझे, बुला नहीं सकता क्या? नहीं 3-4 दिन हो गए, कैसे हो? जिंदा हूँ। जिंदा हूँ, ये बताओ, मतलब तुम मतलब बिल्कुल यही चाहते हो कि अपन अलग हो जाए, ये बताओ। मैंने तो कहीं भी मेरा इंस्टाग्राम पे जिक्र नहीं किया, ना मैंने तुम्हारा भाई को फ़ोन करा है, तुमने मेरा भाई को फ़ोन करके वीर मेरे से झगड़ रहा। अरे वीर झगड़ क्यों रहा है, भाई को तो नहीं पता है तो वो चीज़ तो तुम्हें पता है ना, वीर क्यों झगड़ रहा है मेरे से? मैंने इसलिए कॉल लगाया था आपके भाई को, ताकि मुझे लगा कि आपका भाई शायद आपको समझाता ये बोल के कि देख वो लड़की है, तू लड़का है तू समझ सकता है इस चीज़ को। मैं कब लेकिन मुझे ये चीज़ पता नहीं थी ना कि आपके भाई भी आपकी साइड ले लेंगे। देख ना मेरे भाई को पता है कि ना वीर है ना हमेशा जो फैसला लेता है ना वो गलत नहीं लेता है, और करता है ना जो भी, वो अपनी इच्छा से जो भी करता है ना, मतलब आजकल पहले मैं अपनी इच्छा से कुछ भी करता था, लेकिन आजकल मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। अगर कुछ मुझे लगता है ना कि नहीं मैं गलत तरह से जा रहा हूँ, आज तुम्हें भी मैंने इसलिए बुलाया, आज तुम अपने ईगो से ना अलग से हो रहे हो, ठीक है ना, आज तुम लोगों को ये दिखा रही हो कि हम अलग हो रहे हैं। हाँ तो नहीं दिखाऊंगी, तुम स्टोरी तुमने डाला, मैं बोलूँगा तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ तो मैं कर दूंगी डिलीट वगैरह, नहीं बताऊंगी मैं तुम्हारा मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है बात खत्म। तो तुम लोगों को बता रही हो, और तो मैंने 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 कहीं पे जिक्र किया क्या? लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं तुम्हारी स्टोरी का, हाँ तुम क्या सच में अलग हो गएगा? और जो लोग जलते थे ना मेरी तरक्की कर, मैं जो तरक्की कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कुछ कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो, वो लोगों को हंसने का मौका दे रही हो तुम, ठीक है ना, कि ये लो हाँ क्या तुम्हारी शादी अब किसी और से होगी, मेरी शादी किसी और से की, तुम्हें क्या मज़ा आएगा कि ये सब चीज़ें? देखो माना अच्छी, चलो ठीक है आज पब्लिक इतनी मतलब इतने लेवल तक पहुँचे हैं, अब यार तुम अलग होने की, जब अलग होने की बात आई तो तुम ये मुझे पूछा भी नहीं क्यों। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फोरा बेट ऐप के बारे में। इसमें गेम है द एविएटर, जिसको खेल के आप बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं, आओ देखे कैसे। फोरा बेट में जाने के बाद में कैसीनो पे सर्च करना है द एविएटर। इसमें बस इतना ध्यान रखें ये जो प्लान है वो क्रैश ना, उससे पहले आपको कैश आउट कर देना है। आओ मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो गाइस मैंने द एविएटर इसमें ओपन कर लिया, मैंने इसमें बेट लगा दी है 2000 रुपीज की, और मेरा प्लान इसमें धीरे 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 ऊपर जा रहा है, थोड़ा डर लगता है जल्दी से वो नहीं चला जाए ये। और ये मैंने इस पर कैश आउट ये मैंने कर दिया इसमें कैश आउट। सो गाइस फाइनली मैं इसमें जीत चुकी हूँ 6480 रुपये, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसी बात में एक मिनट और लगाऊंगी। सो गाइस मैंने 4000 रुपये की इसके अंदर फिर से बेट लगा दी है, और मेरा प्लान इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ये बस ये क्रैश ना हो जाए उससे पहले मुझे कैश आउट कर देना है इसके अंदर, और ये मैंने कर दिया है यहाँ पे कैश आउट। सो गाइस फाइनली मैं इसमें जीत चुकी हूँ 12560 रुपये। फोरा बेट पे जीते हुआ अमाउंट आप बहुत आसानी से विड्रॉल कर सकते हो, आप मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और मैंने ये दोनों चीज़ें अपने विनिंग के साथ में खरीद ली है, पेटीएम फ़ोनपे UPI GPA आप इसको किसी से भी डिपॉजिट कर सकते हो, और आप जितना ज़्यादा डिपॉजिट करोगे उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा आपका जीतने का। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन से जाओगे तो आपको फोरा बेट की तरफ से बहुत बड़ा बोनस मिलेगा, और जाओ फोरा बेट पे रजिस्टर करो और अच्छे से खेलो, गुड लक। ये कर दियो ऑडियंस को मैं क्या जवाब दूंगा, तुम तो छोड़ के चली जाओगी। अभी कल परसों मैंने मोना के साथ तुम्हारी फ्रेंड के साथ एक प्रैंक करा था, मेरे से तो ना पूछा था, नहीं पूछा तो क्या हो गया, तो प्रैंक ही तो करा। अब वो ऑडियंस ना मुझे कमेंट कर रही है कि वीर भैया गलत है, बट हाँ तो ठीक है, अब मैं भी आपके किसी फ्रेंड को बुला के और उसके साथ ऐसे बैलून चैलेंज करूंगी, वो अच्छा लगेगा उसको मैं टच करूंगी, तुम कर लेना मेरे साथ, अच्छा लगेगा उसको मैं टच करूंगी। हाँ किस एंगल से पकड़ रहे थे उसको, ऐसे करके यूं पकड़ रहे थे? बात वो नहीं है सोनिया, बात वो है कि उसके पहले तू मेरे से अलग हो गई थी, हाँ बाद में वो वीडियो शूट करी थी मैंने, मैं क्या करूँगा, तुम तो छोड़ के जा रही हो, मेरे को तो प्रैंक करना था ना,
मैं मेरी ऑडियंस के लिए कुछ इंजॉयमेंट के लिए कुछ उनको इंटरटेनमेंट करने के लिए वीडियोस वगैरह नहीं डालूँ मेरे पेज पे। हाँ हाँ ठीक है करो मुझे, क्या अब बुलाया है क्यों है ये बताओ मुझे। ठीक है ये बातें तो फ़ोन पे भी कर सकते अब थे तो मुझे है ना, फ़ोन पे नहीं, मेरे को जो चीज़ें थी ना मेरे को तुम्हारे से मिलते और मिलके, और जहाँ फर्स्ट टाइम अपन ने फर्स्ट एक वीडियो यहाँ प्रैंक शूट करा था, मैंने सोचा उसी जगह पे मैं सोनिया से बात करूँगा। बताओ क्या बात करनी है, क्या बात करनी है बताओ। तुम्हें पता नहीं है क्या बात करनी है? नहीं है मुझे। तुम क्या चाहती हो ये बता दो मुझे, साफ साफ बता दो मुझे ये बताओ। देखो मैं कुछ अगर चाहता ना तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता, ठीक है ना। तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ यहीं पे, ठीक है ना। बस मैं कुछ नहीं चाहती तुमसे। ब्रेकअप चाहती है मेरे से? हाँ करना है ब्रेकअप तेरे को? ब्रेकअप करना है, ठीक है तो फिर जा, तो जाना फिर ब्रेकअप करना। तो मैं तो वैसे ही नहीं रोकूंगा तुझे, लोग सोचेंगे नहीं कि ये बंदा खुद रोक रहा। मैं तो उसी दिन तुमको बोल दिया, मैंने दो झापड़ भी मारे तुम्हारे, याद है वो दिन? मैंने जा तू क्या, जब तू जाना चाहती ना, मैं जाने वाले को इंसान को नहीं रोकता, आएगा तो खुद आएगा। तू क्या सो रही है, मैं दारू पीऊँगा तेरे चक्कर में, ये सड़कों पे डोलूँगा, पागलों की तरह मैसेज करूँगा बाबू वापस आ जा कम बेग वो पागल थोड़ी होना है मुझे। आजकल वो टाइम गया, ठीक है ना, पीछे घूमने का। अच्छी बात है ना, तो मैं तुम्हें क्या करना है ये बता दो। तुम तो ना घूमते हो मेरे पीछे। देख गलती तुमने की है, देखो गलती दोनों ने की थी, ठीक है, तुमने छोटी की थी, तुमसे बड़ी गलती मैंने की थी। तुमने ना आज मतलब सही बता रहा हूँ, मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ, तुमने इतनी बड़ी गलती करी है, मैंने तो बस छोटी सी इतनी सी गलती करी है, इतनी सी क्या, और भगवान ने मेरे को इतनी बड़ी इतनी तुम्हारी इतनी सारी गलतियाँ दिखा दी एक बार में, क्या मुझे पता ना तुम्हें? मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ तुम्हें, सच में रियल में क्या। अब तुम बताओ कि मैं गलत हूँ, माफ़ी मांगी ना तुमने माफ़ी को लेके, तो फिर ये चीज़ मेरे को यहाँ पे भी तो बोल सकता हूँ ना तुम। मैंने माफ़ी मांगी ना उस चीज़ को लेके, तुम्हें कहा ना मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, तुम्हें टाइम चाहिए, तुम उसे टाइम ले लो कि इतने टाइम मेरे से तू बात मत कर, इतने टाइम तुम। मैंने बोल दिया ना तुमको 15 दिन तक मेरे से कोई बात बात मत करना, तो फिर मैं कैसे रहूंगी बिना बात करे तुमसे? मैं तुम्हारे ऊपर प्रैंक शूट कर सकता हूँ, तुम मेरे ऊपर कर सकते हो, लेकिन मैं ना फ़ोन पे तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता। बस काम नहीं रुकना चाहिए और कुछ नहीं, जो हमारा काम है उस पे तो फोकस करना पड़ेगा। भले मैं तुमसे बात रहेगा, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मेरा पूरा ध्यान तुम पे रहता है, जब वही इंसान बात नहीं कर रहा, मैं गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ ना। तुम ठीक है, तुम बोलो जैसा कर लूँगी, तुम जो पनिशमेंट दोगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन इतनी बड़ी गलती मैं पता करता है ना, मेरे को गलती मैंने बहुत बड़ी करी है, छोटी नहीं है ये गलती मेरे लिए, मुझे पता है, लेकिन आज वो चीज़ अगर मैं लोगों को बताऊँ ना तो लोग पता नहीं क्या करेंगे। माफ़ कर दो यार, और तो क्या है, मुझे नहीं पता था, मैंने उसी टाइम कर दिया, और वो चीज़ें मैं रियल दिखाता ना तो लोग पता नहीं क्या करते हैं क्या, पर मुझे करना ही नहीं था, मेरे को लोगों को नहीं दिखाना था, मैंने सोचा अपनी पर्सनल बात है ना तो अपने बीच में ही रहे क्या, ठीक है ना। अब क्या करना है, मुंह सुजा के रखना है या मतलब कुछ आगे करना है लाइफ में? तुम बोलो कि जैसे कर लूं। देख जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें थी ना पिछली लाइफ में सब भूल जा, लाइफ में आगे बढ़ने की सोच। आज इस लेवल पर तुम मेरे साथ में खड़े हो ना, वो हर किसी लड़के को नहीं मिलता है। आज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब पे एक्टिव है, ऐसी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग नहीं जानते तुम्हें क्या। भले तुम आज मेरे से अलग हो जाते हैं, तुम मेरे चैनल से वीडियो डिलीट करवा देते हैं, जो लोगों ने है ना वो डाल देगी, उसका क्या करते हैं? मेरी बात ठीक है, जो हरकतें तुम्हारी पहले जो गर्लफ्रेंड थी उसने करी ना, तो मेरे को उससे कंपेयर मत करना। कंपेयर करने की बात नहीं है सोनिया, एक सुनो, मैं उस बंदी की तरह नहीं करने वाली कि तुम पे कैस करूँ जाके, मैं पैसे खाऊं, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँ कि वीर अगर मेरी वीडियो डिलीट नहीं करेगा तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, सुनो, मैं कुछ नहीं करने मेरी बात सुनो, चुप एक मिनट, मुझे कुछ नहीं करवाना, बल्कि सब कुछ मैंने मेरी इच्छा से बनाई है, वीडियोज़ वगैरह जो भी है मैंने सारी अपनी इच्छा से बनाई है, ठीक है। और अगर मेरी फैमिली भी बोलेगी वो डिलीट करवाने के लिए, मेरी फैमिली अगर बोलेगी, मेरी माँ बोलेगी, मैं मर जाऊँगी। माँ नहीं, सुनना, हर एक लड़की का वक्त आता है जब उसकी शादी होती है ना, लेकिन सब भूल जाते हैं यार, सब भूल जाते हैं ना, तब वो किसी इंसान को भूलेगा। सोनिया तुम गलत हो, तुम्हारी जगह सब भूल जाते हैं, एक टाइम होता है। अभी बताऊँ ना, मैं अभी बोलूँगा ना तो तुम्हारे बातें छुप जाएगी डायरेक्ट, ठीक है ना, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि अपने बीच में लड़ाई हो, अपन जो भी ये चीज़ें सब चीज़ों को भूल के आगे बढ़ लाइफ में, इतने यहाँ तक पहुँची है, अभी बहुत आगे जाना है लाइफ में। चलो ठीक है, हाँ मैं लाया गिफ्ट, बट मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई रिंग नहीं दी है, तो मेरे को देखो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आके बंद करो पहले, मेरे लिए तुम आके बंद करो पहले, किस करो, सब चीज़ें भूल के
जहाँ से अपन ने यहाँ पे एक मतलब तुमने मेरे को फर्स्ट टाइम किस करा, मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, वो ही मेरे को किस कर दो वापस प्यारा सा। पकड़ो फ़ोन को, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, खोलना मत। आंखें खोलो, तुम्हारे लिए मैं रिंग लाया अच्छी सी। मैंने आज तक तुम्हें कभी गिफ्ट नहीं दिया, तो मुझे लगा यार कि नहीं मुझे कुछ देना चाहिए तुम्हें क्या, तो ये मेरी तरफ़ से आपको एक छोटा सा तोहफा आज ही लाया। कौन सी उंगली में पहनानी है? लेकिन मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है बहुत बड़ी गलती, लेकिन पर मैंने सोचा क्यों नहीं सब चीज़ें भूल के और अच्छा सा तोहफा लेके चलता हूँ और बुलाता हूँ तुम्हें, बात करते हैं क्या। लो लो पहन लो, रो क्यों रही है सोनिया, हैं ले ले, हंसेगी नहीं क्या? तुम्हारे लिए दो लाया मैं रिंग, एक और लाया घूमने वाली जो तुम्हें हर टाइम मतलब घुमाती रहेगी वो चीज़ें कि यार नहीं जी, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इंसान आगे आखिर घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है। हाँ रो की रही है, देख तेरे लिए एक और रिंग लाया हम, देख मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे माफ़ कर दो यार। हाँ तो कोई नहीं, बोलता ना कि भगवान भी बोलता है अगर कोई माफ़ कर देता ना तो माफ़ करने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है। तो मुझे पता है मैंने जो गलती करी वो तुम्हें बहुत हर्ट करी, लेकिन हर्ट करेगी और करती रहेगी जिंदगी भर, बट क्या करें क्या, जो भी चीज़ें हैं भूल जा और लाइफ में आगे बढ़ मेरे साथ में। कुछ करना है ना लाइफ में, जब हर किसी को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है सोनिया, मैं सच बता रहा हूँ क्या, चुप हो जा, देख रोने से कोई मतलब नहीं है, जो हुआ ना सो भूल जा, तूने गलती करी ना, तूने माना ना मैंने गलती करी, तो बस बाबा को मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारा ध्यान इधर फालतू चीज़ों में नहीं दे और अपने काम पर फोकस कर, क्या मैं यही चाहता हूँ। देख लाइफ में आगे बढ़ेगी ना, पैसा रहेगा ना तो सब कुछ रहेगा अपने पास, वरना पैसा नहीं रहेगा ना तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना क्या। बहुत दिल से बोलता हूँ मैं ये चीज़ें, कभी कभी बोलता हूँ कि ये बातें ना मेरे खुद को चुभ जाती है क्या, और मुझे भी हर्ट हुआ क्या, ऐसी चीज़ें। और मैंने यहाँ पे कैमरा भी लगा रखा है, मैंने सोचा क्यों नहीं एक शूट करते हैं क्या। रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, रो मत, और ये रिंग ले हाथ में, उधर कैमरा लगा रखा मैंने, कौन सा हाथ में पहनूँ, कौन सा लिम पहननी है। सो गाइस मैंने सोनिया के लिए प्यारी सी रिंग लाया और इसको जो इसने गलती करनी है उसको बहुत इसको हर्ट हुआ। देखो जो माफ़ करने वाला इंसान होता ना वो सबसे बड़ा होता है, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ ठीक है ना। बाकी सोनिया को मैं एक और रिंग देता हूँ गाइस, दो रिंग लाया सोनिया के लिए मैं प्यारी प्यारी सी, एक और ये रिंग अच्छी है घूमने वाली, ऐसे घूमती है। लो इसको किस में पहनानी है, इसमें अच्छी है ना, अब रोना बंद कर। सो गाइस मैंने मेरी तरफ से सोनिया को प्यारी सी रिंग गिफ्ट करी है और इसको बोलो कि रो मत प्लीज़, जो भी हुआ ना भूल जा। और आप लोगों को भी पता नहीं है, मैं चाहता भी नहीं आप लोगों को शेयर करूं, बट जो भी है ना मैं मेरी जगह सही हूँ। और बोलता है ना कि इंसान माफ़ करने वाला इंसान होता है ना जो सबसे बड़ा होता है, और ये रो रही है फालतू में। कैसी लगी गिफ्ट, अच्छा है, दिखा एक बार सामने कैमरे में। सो गाइस सोनिया के हाथों में कभी भी अंगूठी नहीं थी, तो मैं इसके लिए आज मेरे फ्रेंड के शॉप पर गया था सुनार के शॉप पर, तो ये दो रिंग लाया पसंद करके अच्छी सी और इसको पहनाई ठीक है ना। और बाकी जो भी होगा आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे, एक पप्पी तो दे दें इधर गाल पे भी। What's on wheels, my light you spin. Try your luck, we'll get started now. Heads are best, cause in the games win. For a bet.